पुच्ची। तो अभी कौन सी करंट मूवीज चल रही है भाई? हमारी टाइगर 3 चल रही है अभी। अच्छा टाइगर 3 चल रही है, पठान चल रही है। बड़ी तो है लेकिन साथ साथ इतनी हैवी है ना। ओ भाई ये क्या है? ये आपका टेवर का मॉडल है जो हमारी इंडियन मिलिट्री यूज करती है। ओ मशीन गन तुम देख रहे हो फुल। और सर ये भी नकली बुलेट्स हैं। सब नकली है, देखिए इसमें आगे जो लेड पोर्शन है ना वो नहीं होता है। 1 2 3 आज की वीडियो का तो सीन है ना भाई, मतलब मैं तुम्हें सही बता रहा हूँ, आज वाली वीडियो में ना अपन मिलने जा रहे हैं द बॉलीवुड गनमैन ऑफ इंडिया। देखो अभी मैं जस्ट ताजमहल पैलेस से निकला और एक और चीज, हाँ मुझे पता क्या मिला, ये देखो मुझे उन्होंने ये गिफ्ट दिया है। जैसे ताज होटल ना तुम लोगों को पता है 1900 के आसपास बना था, ठीक है, तो उस वक्त जो एक पैसा होता था ना उसका रेप्लिका है, ठीक है। मुझे ऐसे पता नहीं था कि मतलब ताज वाले गिफ्ट भी देते हैं। तुम यहाँ पास से देखो, ये देख रहे हो ये कुछ एक पैसा है, इसको कहाँ लगाना चाहिए? गले में। ये किसका गला इतना बड़ा है? तो कोई नहीं, इसे ना मैं संभाल के रखूंगा, ठीक है। मतलब ये एक मेमोरी के तौर पर रहेगा कि हाँ मैं ताज होटल आया था, यहाँ मुझे ये गिफ्ट मिला था, ठीक है। और मैं तुम्हें टाइम देखा तो तुम टाइम देख लो, करीब 1:26 हो रहा है, अपने को अराउंड 1 घंटा लगेगा गोरेगांव जाने में। और तुम लोगों ने कहीं ना कि टाइटल थंबनेल पढ़ी है, मतलब आज की वीडियो में तुम्हें इतने अलग अलग टाइप के गन्स दिखाने वाला हूं। मतलब जितने बॉलीवुड में गन्स यूज होते ना, चाहे बड़ी बड़ी पिक्चर क्यों ना हो यार, मतलब रोबोट से लेकर साहो और बहुत सारी पिक्चर में उन सर ने काम कर रखा है, इतना मुझे पता है। मुझे सर ने बताया था कि यार 1000 से ऊपर बॉलीवुड मूवीज में सर ने काम किया। जितने तुम स्टंट के सीन देखते हो या फिर बिल्डिंग में ब्लास्ट होता है सब कुछ, मतलब मैं तुम्हें आज सब सीन दिखाऊंगा, गन से लेकर वो एयर प्रेशर के थ्रू कैसे ब्लास्ट होता है, बॉम्ब वॉम्ब सब तुम्हें देखने को मिलेगा। मतलब फुल बच्चोदा वीडियो होने वाली, ठीक है भाई। कितना एक्साइटेड बता भाई? कल से ही हूँ। जब भी इससे पूछूं भाई इसका यही है, कल से हूँ, एक हफ्ते एक्साइटेड हूँ भाई। व्हाट इज दिस, कुछ अलग बोल यार। ये कल बताया था ना कि गनमैन से आएंगे मिलने। हाँ। रियल में देखनी है गन, पता चलेगी कैसी होती है। ये रियल गन नहीं है, ये गन्स क्या होता है कि कुछ तो फॉरेन से ट्रांसपोर्ट होती है, कुछ वो उधर जहाँ पे हम जा रहे हैं वहाँ पे बनती भी है, लेकिन देखने में तुझे प्रॉपर असली गन लगेगी, वजन भी उसका फुल भारी होगा। अपन क्या पता इस वाली वीडियो पे फुल शूटिंग भी करे, वो तो देखो तुम्हें पता लग जाएगा वीडियो में है ना। तो वीडियो को भी लास्ट जरूर देखना। बाकी तुम देख रहे हो, मतलब मैं यार मुंबई में किसी भी टैक्सी बैठ जाओ भाई, ये रूफ में जो ये रैपिंग होती है ना ये मुझे हर वक्त देखने मिलती है भाई। ऐसे बोलो फुल गलत। अरे वाह, मतलब मुंबई वाले बंदों से ना फुल करके मजा आता है, ठीक है। अच्छा राजेंद्र ये बताओ, मैं मराठी आती है? मराठी के कोई स्लैंग? तू जायची पुच्ची। ये तो अलग सी लग रही है, तू जायची पुच्ची। कैसी गंदी गंदी गाली मुझे सिखा रहे यार ये, मतलब मैंने कहा था थोड़ा फनी वनी सिखाओ जो सुन के मतलब मजा आए। भाई हिंदी में पुच्ची मतलब होता है किसी, है ना, पुच्ची मीन्स किसी, जैसे वो दीपक काल के ना मां, मुझे लगा ऐसा कुछ होगा लेकिन भाई तो बोल रहे हैं। देखो अब मैं गोरेगांव पहुंच गया सर, जरा आप खुद ही बता दो क्या सीन क्या है, मतलब यहाँ पर कहाँ का आपके पास क्या सीन? अच्छा, मेरे पास क्या सीन? हाँ, है भाई हम है ना फिल्मों के लिए गन्स और SFX का काम करते हैं। गन्स मतलब बंदूकें, SFX मतलब ब्लास्टिंग वगैरह, तूफान लाना, स्मोक करना, ये सारी चीजें SFX के अंडर में आती है। सर कितने गन्स हम दिखाने वाले आज? भाई पूरा गोडाउन भरा हुआ है, जितने आपको दिखाने दिखा दो। तुम देख लो, मतलब मैं सही बता रहा हूँ, इस गोडाउन में सारे गन्स भरे पड़े और जो आगे गोडाउन है वहाँ पे सर उधर क्या हो रहा है? सब SFX का सामान है, वहाँ पे गोलियां बन रही है। ब्लास्ट वाला गोडाउन वो है, गन वाला गोडाउन। तुम्हें गन्स की वैरायटीज दिखा दो, ठीक है। हाँ, उससे पहले अगर पब्लिक को बताया, मैंने पब्लिक को पहले बोला था कि आपने 1000+ मूवीज में काम कर रखा है। करेक्ट। तो अभी कौन सी करंट मूवीज चल रही है? भाई हमारी टाइगर 3 चल रही है अभी। अच्छा टाइगर 3 चल रही है, पठान चल रही है। पठान कौन सी है? पठान अभी ये यशराज की शाहरुख खान के साथ में नई फिल्म। अच्छा, जॉन अब्राहम और उसके साथ में हमारा अक्षय कुमार के साथ अभी राम सेतु शुरू हो रही है। राम सेतु, हाँ। और अभी विक्रम वेदा एक फिल्म आई थी उसका रीमेक चल रहा है ऋतिक रोशन और सैफ अली खान के साथ। इन सब पिक्चर में आप काम कर रहे हो? कर रहे हैं अभी एट प्रेजेंट। अच्छा, एज SFX एंड वेपन्स। देखो पहली बात तो यार अपन ना सर से करीब 1 साल से टच में, ठीक है, और 1 साल मतलब बहुत बार ऐसा प्लान हुआ, मैंने आपको बताया भी था कि हाँ मैं आज आ रहा हूँ, फिर कभी मेरा नहीं हो पाया, कभी सर का नहीं हो पाया सीन, तो आज जाके वो मौका मिला है। चले अंदर फिर, मतलब एक्साइटमेंट से ना तुम्हारा भाई फटे जा रहा है, ठीक है, आओ तुम्हें सीन दिखाता हूँ। तो तुम देखो मेरे सामने यहाँ पे ये स्नाइपर है, ठीक है, ये रियल है क्या है? नहीं, ये सब ब्लैंक फायरिंग्स होती है। अच्छा, जो हम लोग इम्पोर्ट करते हैं बाहर से दूसरे देशों से। अच्छा? हमारे को इंडिया में इतनी भी वो नहीं है लीवेज कि हम कुछ भी कोई भी गने रखना शुरू कर दें। ओके। तो जितनी भी गने आप इस गोडाउन में देखोगे ना सब ब्लैंक फायरिंग गन्स। तो व्हाट इज ब्लैंक फायरिंग? ब्लैंक फायरिंग मतलब की जो असली गोलियां नहीं चला सकती है। अच्छा, लेकिन गोलियां चलाती है, लेकिन वो नकली गोलियां। तो जो पूरा मतलब गन चलाओगे आपको झटका लगेगा, सब कुछ लगेगा, लेकिन आप समझ लो कि जो माइनस द लेड पोर्शन जो होता है, जो आदमी को जाके लगता है जो किल कर सकता है, वो नहीं होता। मुझे लगा था कि इसका वेट थोड़ा हल्का होगा, लेकिन नहीं, इसका वेट बहुत भारी, तुम देख रहे हो। बड़ी तो है लेकिन साथ साथ इतनी हैवी है ना। और तुम पास से देखो इसका यहाँ पे ये जो होता है ना ये टेलीस्कोप सा, ये सारे मतलब ये छोटे छोटे कैमरे से सब कुछ है, मतलब सारी एसेसरीज साथ में है। ये देखिए, क्योंकि अभी बारिश का टाइम है, ये गन्स रस्ट पकड़ लेती है, तो इसलिए हमने उनको ऑयलिंग करके सबको रैप करके रख दिया है। सर ये कौन सी है? ये SLR है। SLR
देखो यार, मतलब मैं पर्सनली बता रहा हूँ, मुझे ना गन्स की नॉलेज उतनी कुछ खास नहीं है, ठीक है। तो सर SLR ये क्या पुरानी गन होती है? ये हमारे पहले मिलिट्री के पास थी, अब हमारी पुलिस के पास है ये गन। तो देखो मुझे ना कमेंट सेक्शन में बताते रहना तुम लोगों को कौन सी गन्स क्या पसंद आ रही, ठीक है। कमेंट सेक्शन ऊपर है, कमेंट की बारिश करो, ठीक है। और ऊपर मैं देख रहा हूँ सर, ये सब है ना पुरानी एंटीक गन है, एक निकालना। अच्छा तो तुम देखो सर, ये सबसे पुरानी गन है आपके पास? ये सबसे पुरानी गन है, 1875 के आसपास ये सब गन आई थी। अच्छा 1875 के आसपास। जितने पहले फॉरेनर्स आए थे, हाँ। जब भी अंग्रेजों के जमाने की गन है, तो कहीं ना कहीं बोल सकता हूँ कि जो जलियांवाला बाग पे अटैक हुआ था वो इन्हीं गनों से हुआ था। यस भाई बोल रहे तुम मुझे डरा रहे हैं यार, मैं गन्स में खेलता हूँ दिन रात। अच्छा ये नॉन फायरिंग गन है, और वो जो है ये प्रॉपर मतलब फायरिंग गन, तो वो शूटिंग में काम हो सकती है। बढ़िया, ये भी शूटिंग में काम आता है। बहुत टाइम ऐसा होता है सिर्फ गिरना पड़ना है, हाँ। तो हम लोग रियल गने खराब नहीं कर सकते, इसलिए हमेशा हम डमी भी बना के रखते हैं। ओके, जैसे कि अब ये देखिए, ये M4 की रबर गन है। अच्छा M4 की रबर गन, तो मतलब जहाँ पे वो थोड़ा गिरना पड़ने वाला सीन की हाँ बंदा घिसट रहा है, तो उस जगह पे ये सारी डमी गने यूज होती है। छोटा मोटा खेल नहीं है, बहुत कुछ सोचना पड़ता है इसमें, और सर बहुत सारी स्ट्रेटेजी भी लगानी पड़ती है इस काम में। अब सिर्फ रियल गन नहीं रख सकते, हमको रबर की गन, फाइबर गन सब कुछ रखनी पड़ती है। रखनी पड़ती है। मैं देख रहा हूँ इन गन्स की भी ना प्रॉपर केसिंग आती है, ये काफी सही यार। ओ भाई ये क्या है? ये आपका टेवर का मॉडल है जो हमारी इंडियन मिलिट्री यूज करती है, और ये ज्यादा मतलब भारी नहीं है। नहीं, बिकॉज पैरा मिलिट्री जो यूज करती है उनके लिए, क्योंकि वो चॉपर से कभी जंप मारते हैं, करते हैं, तो उनके लिए लाइट वेट गन्स होती है। ओके तुम पास से देखो यार, कुछ ऐसा लुक है इसका, देख रहे हो। और इसका अगर मैं तुम्हें केस दिखाऊं, ये स्कोप है और तुम देखो। अच्छा ये कौन सी सर? ये वाली MP5 का मॉडल है। MP5? यस। मुझे लग रहा है कि ना आज मेरी ये गन्स की जो नॉलेज है ना काफी ज्यादा बढ़ने वाली, ठीक है। मैं जब भी देखता हूँ, जैसे जितने लोग पबजी खेलते हैं सर, पबजी खेलने वालों को सब गन्स के नाम याद होते हैं। पहली बात तो मैं पबजी खेलता ही नहीं। मैं भी नहीं खेलता सर, क्योंकि अपने वो कंप्यूटर पे बैठने वाला काम होता नहीं, हम लोग रियल गन रियल टाइम में काम करते हैं। अभी रीसेंट कौन सी मूवी में आपकी गन्स यूज हुई थी? भी आप वॉर देख लो, वॉर हाँ, और शेरशाह अभी जो अभी रिसेंटली रिलीज हुई है, मुझे बहुत पसंद आई है। जितने भी एक्सप्लोजन वगैरह जो हुए हाँ वो सब हमारे किए हुए हैं, एक्सप्लोजन गन्स वगैरह। छोटी मोटी बातचीत थी, ठीक है, बड़ी बातचीत तो वीडियो को तुम्हें शेयर करना है, लाइक ज्यादा ठोकना है, ठीक है, पूरी वीडियो देखनी अभी तो। अच्छा ये पहले की पुलिस यूज करते थे, अभी भी पुलिस के पास है। तो मैंने सुना इसके ऊपर ना बहुत अपोज आता कि यार ये यूज नहीं करना चाहिए, बहुत लेट से ये रीलोड होती है। बहुत अच्छे तरीके से रीलोड होती है, लेकिन सर पहले वॉर में जब इसे यूज करते थे मैंने देखा है, मतलब काफी पहले वॉर में इसलिए था ना कि पहले जो गने आती थी उसमें ये मैगजीन नहीं होती थी। अच्छा आपको सिंगल सिंगल बुलेट डालना पड़ता था, हमेशा बुलेट निकालो डालो फायर करो, फिर ये काफी मुश्किल होती थी। हाँ फिर बाद में उन्होंने मॉडिफाई करके इसमें मैगजीन लगा दी। अच्छा फिर थोड़ा वो होने लगे, फिर भी 8 गोली एक वॉर में कुछ भी नहीं होता। वो मशीन गन तुम देख रहे हो फुल, ये गन अभी तक किसी ने देखी नहीं। अर्नोल्ड के लिए हमने एक फिल्म के लिए नई गन ये रेडी, देखो ये अपन पहली बार एक्सक्लूसिव ही दिखा रहे थे। तुम देखो ये मशीन गन है, और सर इसको मतलब कैसे बोल सकते, ये रियल मशीन गन तो है नहीं। अभी क्या होने लगा ना कि आजकल VFX बहुत होने लगा, हाँ हाँ, तो अभी इसमें क्या करेंगे, हमने सिर्फ बैरल का मूवमेंट का वो दे दिया है, अब अच्छा। इसको VFX कर देते हैं लोग। अच्छा तो जो बुलेट जो निकलेंगे इसमें से VFX में हो जाए। सर एक्टर्स इतने भारी भारी गन्स उठा लेते हैं? हाँ उठाते हैं भाई, सच में बहुत भारी। कितना वजन होगा इसका? काफी वजन है यार इसका, 10 किलो के आसपास तो होगा। मतलब सही बता रहा हूँ, 10 किलो की मशीन गन है, और इस बटन से, मैं तुम्हें पास से दिखाता हूँ, इस बटन से ना इसका जो ये है ना ये घूमेगा, ठीक है। तुम देखो ऐसे, ये देख रहे हो फुल। तो यार देखो मेरे पास यहाँ पे ये AK-47 है। सर ने मुझे बोला है कि यार ये लोग टेररिस्ट गन, सर जितने टेररिस्ट सारे ये AK-47 यूज करते हैं? हाँ ज्यादातर सब, देखो ना अभी तालिबान की भी जो वॉर चल रही है इसमें सब ये यूज हो रही है। ये तो है, इसका मतलब भार मुझे थोड़ा सही लग रहा है, हाँ मजा आ जाएगा। तुम देखो सर ने अलाउ कर दिया कि अपन यही पे फायर करेंगे, ठीक है। और सर ये भी नकली बुलेट्स हैं? सब नकली है, देखिए इसमें आगे जो लेड पोर्शन है ना वो नहीं होता है, ठीक है। तो ये किसी को लगेगी नहीं मतलब? नहीं, अभी ये भी देखिए तो रियल गन नहीं है। हमने क्या किया, AK-47 की बॉडी में पिस्टल डाल दिया। अच्छा तो फायरिंग मैकेनिज्म करने के लिए 1 2 3 भाई साहब सुन पड़ गया यार मेरा, कुछ भी मान लो कान, सच में यार। तो अभी और है उसमें गोलियां भाई साहब, मतलब यार मैं देख रहा हूँ कि ना ये कोई नकली गन नहीं है, झूठ बोल रहे हो आप। इसका प्रॉपर मैकेनिज्म से लेकर आवाज, एक सर खुशबू भी, गन पाउडर की भी आ रही है। गन पाउडर ही होता है, ये सारी बुलेट्स इंपोर्ट होती है सब टर्की से। अरे वाह, तुम देख लो मेरे सामने यहाँ पे पिस्टल है। सही कौन सा मॉडल है? ग्लॉक 70। पबजी वाले को सब पता होगा ये। अच्छा पता भाई साहब, मतलब सब प्रॉपर पिक्चर में यही यूज होती है? यस। जब लॉन्च होता है तो वो कैसे निकल के जाता है? नहीं तो उसमें कुछ मैकेनिज्म होता है, अंदर इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिज्म से। तुम देख लो ये पुरानी वाली रॉकेट लॉन्चर है, ठीक है। तो सर हमने मतलब पूरा कवर कर लिया गन्स का। आ जाओ अब बॉम्ब वाले गोडाउन में चलते हैं, ठीक है। तो देखो अब मैं आ गया हूं यार बॉम्ब वाले डिपार्टमेंट में, ठीक है। सर ये क्या चीज है पहले ये बताओ? ये पेनबॉल गन है। हमारे इंडिया में ना सब चीज जुगाड़ पे चलती है। अच्छा तो कोई चीज को हमको जुगाड़ करके वो किसी और यूज की होती है, हम उसको किसी और यूज में लाते हैं।
आप लोग जो पेंट बॉल जो देखते हो उसमें सिर्फ कलर्स निकलते हैं, ये हम लोग है ना पेंट बॉल की गोलियों का डाई खुद बनाते हैं इसका। अच्छा। और डाई बनाने के बाद में हम इसमें ना थोड़ा सा बारूद, जो पटाखों का जो बारूद होता है वो, ये जो आप टिकली देख रहे हो ये भी पटाखों की टिकली है, पटाखों की दुकान में मिलती है, 5-5 रुपए घर में आती है। यस। और फिर इसको यूज करते हैं तो इसमें से ये इफेक्ट आता है। अगर एक्टर गन यहाँ से फायर कर रहा है ठीक है, आप लोग इससे इफेक्ट देते हैं सामने, काउंटर इफेक्ट। और ये इतना सारा सच में करना पड़ता है क्या? सब करना पड़ता है। तो जब दीवार उड़ती हुई देखते हैं तो हम दीवार के अंदर ना ये लगाते हैं। अच्छा। ये भी हम पटाखे के बारूद से बनाते हैं। अच्छा। और ये फ्यूज आते हैं जो इलेक्ट्रॉनिक करंट देते हैं हम जब इसको। अच्छा। तो ये करंट देने से फटता है। अच्छा। तो जो आप देखते हो कि दीवार फट रही है तो दीवारों के अंदर हम छुपा छुपा के इसको लगाते हैं कि दीवार फटने का इफेक्ट मिले। आप तुम देखो यहाँ पे अपन ने नई सी चीज ली है, ये पता नहीं क्या मलाई है देख रहे हो, ये मुझे ऐसी नॉर्मल यहाँ पे मिल गई थी, मुझे लगा चलो ट्राई करना चाहिए, तो आओ देखते हैं। मतलब ये चीज तो मैं दिल्ली में कभी नहीं खाई, इधर ही आज मुझे दिखी हो, सही है। हाँ तो यार देखो बड़ी मशक्कत कर अपन आ गए अपने नेक्स्ट होटल में, तो मैं टूर दे देता हूँ ठीक है। तुम देख लो पहले तो यहाँ पे ये अपने को शीशा ठीक है, और ये छोटा सा बाथरूम है तुम देख सकते हो, और बाकी ये एक बेड और यहाँ पे ये डबल बेड। कैसा लगा रूम? ताज वाला हो या मतलब ये वाला रूम रूम है भाई। और सबसे मेन देखो इस रूम की खास बात ये है इसका व्यू, तुम बाहर देखो, ओह माय गॉड व्हाट अ पॉश रूम। मतलब मेरे रूम के जस्ट इस तरफ से यहाँ नाला बह रहा है। आओ यार फुल लेबनीज खाना खाते हैं। अरे वाह तुम देख रहे हो ये कुछ हमस है, ये रोटी है, और ये यार अफगानी चिकन है, ये है बोनलेस दजाज। ये देखो ये अब खा रहे अपन हमस का पहला टुकड़ा। देखो अगर फर्स्ट बताओ ना तो ये मुझे सो लगा ठीक है, काबुली चना से बनता है और काबुली चना में उतना कुछ खाता नहीं हूँ, लेकिन हाँ नई चीज है और अच्छी लगी मुझे। अब बारी है बोनलेस दजाज की ठीक है, इसका टेस्ट कुछ अलग है, मतलब फुल अफगानी लेबनीज वाला अफगानी। हाँ गलत, ये मुगलई है और ये तो लेबनीज था, कुछ अलग लगा देखने में ना। तो चलो फटाफट से अपने सारा खाना खाते हैं और इस वाले वीडियो को यहीं पे एंड कर। वीडियो अगर तुम्हें अच्छी लगी तो लाइक मार देना, चैनल पे तो सब्सक्राइब कर देना, घंटे भी आना तो डालूंगा। तुम्हें पता कैसे चलेगा कि मास्टर बर्डे की नई वीडियो अपलोड हो गई है, हम जल्द से वीडियो देखते हैं ठीक है। इस बार जल्दी नहीं बोला, इस बार आराम आ ना। और हाँ सबसे देखो कमेंट सेक्शन में बता देना कि तुम्हें यार आज की वीडियो का फुल केड़ा सीन कैसा लगा ठीक है, मतलब द बॉलीवुड गनमैन ऑफ इंडिया। और बाकी तुमसे कल मिलते हैं फुल गट कैरे व्लॉग के साथ, चलो खत्म करते हैं वीडियो को। तो यार मैं माफ करता हूं तुमसे, तब तक के लिए गुड बाय। दे चिंगारी ना केड़ा भाई केड़ा केड़ा सीन है, सीन केड़ा केड़ा सीन है, सीन है सीन है सीन है, ए सीन केड़ा केड़ा सीन है, सीन है सीन है सीन है। भैया खतरे में हो रहे यार। हां।